हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन JDBC वीडियो सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि JDBC में हम अपडेट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। और ये सोर्स कोड हमने लिखा था। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रड ऑपरेशन, तो CRU हो गया, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव अ डिलीट ऑपरेशन, राइट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि JDBC में डिलीट ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, डेटाबेस में मेरा एम्प्लॉय टेबल है, राइट। इसमें यू कैन सी देर आर 8 रिकॉर्ड्स राइट नाउ। सो विल ट्राई टू डिलीट सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस डेटाबेस टेबल, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सोर्स कोड जो पिछले वीडियो में लिखा था, इसको कॉपी और पेस्ट करके और क्लास नेम दे देते हैं डिलीट। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन योर रेस्ट ऑफ द कोड, इवन इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो डिलीट JDBC एग्जाम्पल, राइट। तो थोड़ा जावा डॉक ठीक कर लेते हैं, डिलीट के लिए है। तो ऐसे डिलीट, डेमो ऑफ डिलीट ऑपरेशन इन JDBC, राइट। नाउ सबसे पहले तो ये जो SQL क्वेरी है वो चेंज होगा, इसका रीनेम कर देते हैं। रीनेम लेट्स से डिलीट SQL, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ अपडेट यू हैव टू राइट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट क्वेरी, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिलीट SQL स्टेटमेंट, डिलीट फ्रॉम लिखना होगा, डिलीट फ्रॉम जिस टेबल से डिलीट करना है उसका नाम, एंड वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये डायनामिक पैरामीटर है, राइट। एट दिस टाइम क्या होगा कि हम ये जो डायनामिक पैरामीटर है एम्प्लॉय आई डी वो कीबोर्ड से लेते हैं, राइट। सो थोड़ा सा कोड लिखना होगा और बाकी ये रेस्ट ऑफ द कोड है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। ये बाकी सब हम इसका ऐसे लिखते हैं, इतना तक डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मेरे को SOP चाहिए लास्ट वाला। नाउ तो ट्राई विथ रिसोर्सेज में हमने कनेक्शन लिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट लिया, और यहाँ मैं स्कैनर यूज करना चाहूँगा, राइट। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के थ्रू आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं, राइट। दैट्स बिलोंग्स टू द java.util पैकेज, java.util से आपको इम्पोर्ट करना है, राइट, स्कैनर। एंड यू माइट बी सरप्राइजिंग कि स्कैनर को हम ट्राई विथ रिसोर्सेज क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसलिए कि मुझे स्कैनर ऑब्जेक्ट को मुझे फाइनली ब्लॉक में क्लोज नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाए यूज होने के बाद ट्राई ब्लॉक में, राइट। एंड दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग एज ए ट्राई विथ रिसोर्सेज, ट्राई विथ रिसोर्स, राइट। न्यू स्कैनर, समटाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज कि स्कैनर का कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करें। आप देखोगे तो देर आर सेवरल कंस्ट्रक्टर इन स्कैनर। तो मैं जो यूज करने वाला हूँ ए इनपुट स्ट्रीम जो ले रहा था, यहाँ पर मैं लिखूंगा system.in, क्योंकि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, राइट। इफ़ यू लुक इन टू द टाइप ऑफ इन, इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम, राइट। इट इज क्लियरली सेइंग व्हेन एवर यू वांट टू टेक एनी स्ट्रीम और डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड देन दिस टाइप ऑफ इनपुट वी यूज, राइट। तो यहाँ देख सकते हो कि ये क्या था, इनपुट स्ट्रीम थी, इसीलिए इन टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, इनपुट स्ट्रीम, दैट्स वाई आई हैव गिवन system.in। इन क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है सिस्टम क्लास में। नाउ नाउ हियर आई विल जस्ट गिव अ स्टेटमेंट समथिंग लाइक दैट। यहाँ यूजर से आपको मैं चाहता हूँ कि यूजर के लिए, जैसे यूजर रन करेगा इस प्रोग्राम को, तो आई वॉन्ट टू आस्क द यूजर टू एंटर एम्प्लॉय आई डी दैट ही वॉन्ट्स टू डिलीट, राइट। तो यहाँ मैं लिखूँगा Please enter employee ID that you want to delete from database, right? Make sense? User से हम input ले रहे हैं, तो user क्या करेगा, जैसे मैसेज देगा वो employee ID enter करेगा, right? और जो employee ID आएगा उसको मैं एक local variable में store कर लेता हूँ, स्कैनर का यूज करके मैं कीबोर्ड से इनपुट ले लूँगा, राइट। स्कैनर डॉट, यहाँ बहुत सारे मेथड है, वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड नेक्स्ट इंट दैट आई एम गोइंग टू यूज इंटीजर इनपुट लेने के लिए, राइट, कीबोर्ड से। नाउ वंस यू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, दैट वी आर स्टोरिंग दैट इनपुट मीन्स एम्प्लॉय आई डी इन EMP ID। अब आपको क्या करना होगा, ये जो प्लेस होल्डर का वैल्यू सेट करना है, उसके लिए हमें सेट इंट मेथड का यूज करना है, जहाँ पैरामीटर इंडेक्स और वैल्यू पास करना है। तो पैरामीटर इंडेक्स 1 है, क्योंकि पहला एक ही पैरामीटर है तो 1 होगा, राइट। दूसरा होता तो फिर उसका 2 होता, और ये जो एम्प्लॉय आईडी हमने लिया इसे हम यहाँ पास कर देते हैं,
ओके मेक सेंस। नाउ नाउ हमने इस क्वेरी में जो डायनेमिक पैरामीटर था वो सेट कर दिया। नाउ वी हैव टू एक्सक्यूट स्टेटमेंट राइट। तो एक्सक्यूट यहाँ पर एक्सक्यूट या एक्सक्यूट एक्सक्यूट मेथड यूज करोगे तो ये सक्सेसफुली डिलीशन के लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और यदि आपने एम्प्लॉय आईडी ऐसा प्रोवाइड किया जो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटाबेस साइड में तो डिलीट ऑपरेशन होगा नहीं राइट। तो उस केस में ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, रिवर्स रिटर्न करता है एक्चुअली। सक्सेसफुल एक्सक्यूशन में ट्रू, नॉट सक्सेसफुल में फॉल्स, सॉरी सक्सेसफुल इंसर्शन में फॉल्स एंड सक्सेसफुल डिलीशन में फॉल्स और नॉट सक्सेसफुल में ट्रू। लेकिन मैं यूज करूँगा यहाँ पर एक्सक्यूट अपडेट राइट, जो इंटेजर रिटर्न करता है एक्सक्यूट अपडेट राइट। दिस इज गोइंग टू रिटर्न नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाई दिस सिक्वल क्वेरी। तो ऑफकोर्स आई डी के बेसिस पे हम डिलीट कर रहे हैं, आई डी यूनिक की है राइट, प्राइमरी की है, तो ऑलवेज दिस इज गोइंग टू रिटर्न ओनली वन। लेकिन यहाँ कंडीशन आपने चेंज किया राइट, लेट्स से कि मैं देता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्ट एम्प्लॉय डी ई पी टी इक्वल टू समथिंग, तो उस डिपार्टमेंट से मोर देन वन एम्प्लॉय हो सकता है राइट। तो उस केस में जितने रोज डिलीट होंगे उसका अकाउंट यह रिटर्न करेगा आपको राइट, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ सिंपली मैं कंडीशन चेक करता हूँ, इफ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स कुछ रिकॉर्ड तो डिलीट हुआ होगा। तो सिंपली यहाँ मैसेज कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा एम्प्लॉय विथ आई डी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आई डी इज डिलीटेड फ्रॉम डेटा बेस राइट, या एल्स पार्ट में क्या लिखूंगा, एल्स पार्ट में मैसेज प्रिंट करना है एम्प्लॉय विथ आई डी इक्वल्स टू जो कीवर्ड्स ले रहे हैं नॉट फाउंड इन डेटाबेस राइट। यदि आई डी नहीं है तो डिलीशन होगा नहीं, तो इस केस में ये जो है ये जीरो रिटर्न करेगा और एल्स पार्ट में जाके सिंपली प्रिंट कर देगा। नीट एंड क्लीन प्रोग्राम है राइट, आपको इस तरह से प्रोग्राम लिखना है एकदम क्लियरली नीट एंड क्लीन। नाउ लेट मी रन, तो इट इज आस्किंग मी टू एंटर एम्प्लॉय आई डी दैट आई वॉन्ट टू डिलीट फ्रॉम द डेटा बेस। लेट्स से कि मैं एम्प्लॉय आई डी 8 देता हूँ जो लास्ट है, लेट मी एंटर 8 और एंटर प्रेस किया राइट, सेइंग दैट एम्प्लॉय विथ आई डी इक्वल्स टू 8 इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटा बेस। इफ आई गो एंड क्वेरी इट देन हियर यू कैन सी एम्प्लॉय इज डिलीटेड। सो इट्स प्रीटी ईजी टू बेसिकली परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन यूजिंग जे डी बी सी ए पी आई राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो क्लियरली समझ में आएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल कोड है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में लिखा हुआ है और इसी तरह से आपको इंडस्ट्री में लिखना है राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो कोडिंग स्टैंडर्ड एक फॉलो करना होता है, प्रॉपर जावा डॉक देना होना चाहिए हमें और प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ आपको कोडिंग करना है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में राइट, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।